वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा देगी कोरमा बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास बड़ा सा पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखी है हमने मीडियम हाई, और इसमें अब हम डाल देंगे तेल जो कि अराउंड 1.5 कप है। अगर आप चाहें तो इससे कम डाल दें और चाहे तो इससे ज़्यादा डाल दें, क्योंकि कोरमे में तेल ज़्यादा पड़ता है, प्लस हमारा मीट भी ज़्यादा है। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप दही। आम हालात में हमें दही को फाड़ना नहीं होता है, लेकिन इस केस में हमें दही को फाड़ना है। हिलाएंगे। दही जो है ज़्यादा ना खट्टा होना चाहिए और ना मीठा होना चाहिए, जैसे नॉर्मल दही होता है वही है मेरा। अगर आप चाहें तो ये कोरमा घी में भी बना सकते हैं, घी में ज़्यादा मज़े का लगेगा। देखिए यहाँ हमारा दही जो है फट चुका है, बस इसी तरह हमें चाहिए। तब इसमें हम डाल देंगे कुछ गरम मसाले जो कि कुछ यूँ है, 3 तेज़पत्ते, 5 लौंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ, 6 छोटी इलायचियाँ और 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें। तो ये चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। मिलाएंगे और अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे गोश्त। तो गोश्त हमारे पास है यहाँ जो कि है 4 पाउंड यानी 2 किलो के आसपास, जिसमें चांपे भी है और रेगुलर गोश्त भी है। हबी को और डायरेक्टर साहब को चांपे जब होती है ना कोरमे में तो मज़ा आ जाता है, तो मैंने दोनों हाफ एंड हाफ लिया है, 2 पाउंड ये लिया, 2 पाउंड ये लिया है, तो ऑल टुगेदर ये 4 पाउंड है यानी 2 किलो। अच्छे से मिलाएंगे। अब ये देखिए कितना सारा लिक्विड हो गया है, तो ये सारा कुकिंग के लिए हमें काम आएगा। अब झटपट इसमें मसाले डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अच्छे से मिला लेंगे इसे। देखिए यह हमने अच्छे से मिला लिया और अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, क्योंकि ठंडा ठंडा गोश्त गया है मसाले में, थोड़ा सा बबल होने का वेट करते हैं। तो बस अब इसे देखें बबल शुरू हो गया है ना, अच्छे से इसमें हीट डेवलप हो गई है। तो अब इसे कवर करेंगे और इसको रख देंगे मीडियम लो पे। अब आपके गोश्त पे डिपेंड है कि आपका गोश्त कितना टाइम लेता है। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तब आप इसको लो पे भी रख सकते हैं। मेरा मटन है और चांपे भी है, जल्दी गलने वाला गोश्त है, तो बस इसको मीडियम लो और लो के दरमियान रखेंगे फॉर अराउंड 35-40 मिनट्स। तो चलें 35-40 मिनट्स में मिलते हैं। देखिए 40 मिनट्स के आसपास हो गए, तब हम इसके कुछ मसाले पीस लेते हैं जो कि कुछ यूँ है, 5 लौंगे, 1/2 टीस्पून काला ज़ीरा, 1/2 से थोड़ा सा कम टुकड़ा जायफल का, 1 पूरी जावित्री, छोटे बड़े सिनेमन के टुकड़े हैं 5-6 और 6 छोटी इलायचियाँ। तो ये डाल देंगे पीसने के लिए। इसे पीस लेते हैं। खोल के देखते हैं तो देखिए कितना अच्छा सा पिस गया है। तब इसमें हम 2 चीज़ें और इजाफा कर देंगे। यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून सूखा हुआ नारियल का बुरादा और 2 टेबलस्पून बादाम है जो कि कतरी भी है, तो ये डाल देंगे। अगर बादाम से कोई इशू है तब आप खशखश डाल सकते हैं, अदरवाइज काजू डाल सकते हैं, कोई भी एक चीज़ पिक कर लें।
इसे भी पीसते हैं। चलो देख लेते हैं। तो 40 मिनट्स का टाइम तो हमने रखा ही था, 5 मिनट ये करने में लगे तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं हमारे गोश्त को। तो चले खोलते हैं। अब इस पॉइंट पर आपको देखना है कि गोश्त आपका कितना गला है। तो ये बोटी उठा के देखते हैं, ये देखें अच्छी सी टूट रही है और सॉफ्ट हो गया है। तब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे जो पीसा था वो, और साथ ही अब इसमें हम डालेंगे केवड़ा। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, कोरमा कहता है, मैं कोरमा हूँ। तो ये आधा टीस्पून हम डाल देंगे, यानी कुछ बूंदे ही हुई, और अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। और अगर आपका गोश्त जैसे मैंने बताया अभी मेरा जैसा है, ऐसा नहीं था, तब आप जो है ये जो मैंने चीज़ें डाली है ना, ये डाल के अगेन कवर करके रख दें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जितना गलने की ज़रूरत है उस हिसाब से। और अगर जैसे मेरे जैसा गोश्त हो गया है तब आप इसमें डालेंगे प्याज का चूरा। तो यहाँ देखें हमारे पास 2 कप प्याज है तली हुई, और इसको हाथों से यूँ इस तरह से चूरा कर लेंगे। वो मैं तो आपको पता है ना कि प्याज या तो एडवांस में पहले से करके रख देती हूँ और या फिर रेडीमेड भी यूज़ करती हूँ। तो अब टिप ये है कि अगर आपने ताज़ी ताज़ी की है तो फैला के रख दें, और क्रिस्पी हो हाथ से कर लें। और कभी कभी क्या होता है कि कंटेनर में रखते हैं लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, मतलब ऐसी सॉफ्ट नहीं होती है, इतनी क्रिस्पी नहीं होती है कि ये हम हाथ से यूँ कर सकें। तब बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको माइक्रोवेव में 40-50 सेकेंड के लिए रख दें, और जब निकालेंगे तो वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगी। और अगर आप फ्रिज में रखते हैं ना, फ्रीज़र में, तब भी बड़ी क्रिस्पी रहती है। चलो एनीवेज, तो ये प्याज की स्टोरी तो बहुत हो गई, हाथों से इसको मसल के और डाल देते हैं, जो क्या है 2 कप। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये सारे मसालों को और प्याज़ों को हमें दम पे लगाना है, तो ग्रेवी जो है हमें अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से करनी होगी। तो ये जो है मेरा इस पॉइंट पर इतना थिक है, अगर आपका भी इतना थिक है तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मैं डाल रही हूँ 1/2 कप। और अगर आपका लिक्विड इनफ है तब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन इसे हम कवर करके रख देंगे फॉर 10-15 मिनट्स। बिल्कुल लो पे है चूल्हा, मिलते हैं 10-15 मिनट में। तो देखिए 12-15 मिनट हो गए हैं चूल्हे को करते बंद, खुशबूएं शानदार आ रही है। 5 मिनट में डिश आउट करते हैं, तरी भी ऊपर आ जाएगी और ये जो छींटे थोड़े बहुत उड़ रहे होंगे ना वो भी सेटल हो जाएंगे। 5 मिनट में मिलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो चले अब डिश आउट करते हैं। खुशबूएं खतरनाक आ रही है, आपको भी देते हैं। रेडी, 1 2 3 आई। तो देखा बिना मेहनत के कैसा ख़तरनाक सा खुशबूदार कोरमा बन गया, पूरा घर महक रहा है। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। खतरनाक। क्या खुशबू है, क्या जायका है। और उसमें टेंडर बोटी,
आहा ढेर सारा मसाला। आप लोगों के लिए तो खाना बनता है। खतरनाक। और देखा आपने, बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। वैसे मैंने बहुत तरह के कोरमे बनाए हैं, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, अलग अलग तरह के इंस्टेंट पॉट में भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा और जो आपको अच्छा लगे बनाइएगा। और ये तो कातलाना ख़तरनाक बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।